हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हो वंदना क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, अगर आपके पास जगह है तो आप खूब अच्छे से उस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वहां पर अपना किचन गार्डन बना सकते हैं, जिसमें आप कंटेनर या ग्रो बैग में आराम से वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। सब्जियों के या फूलों के पौधों को ग्रो करने के साथ साथ आप अपना एंजॉय भी कर सकते हैं, और पौधे लगाने से हमारी अच्छे से एक्सरसाइज भी हो जाती है। सब्जियों में सबसे आसान ग्रो करना हर तरह की बीन्स का पौधा होता है। यह पौधा इजी टू ग्रो है। इस वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ बीन्स का पौधा, कैसे आप आसान तरीके से बीन्स का पौधा ग्रो करोगे। सीड से लेकर मैं आपको हार्वेस्टिंग के साथ फुल अपडेट दूंगी। इस तरह से आप अपनी मिट्टी तैयार कर लें। मैंने इन सीड्स को ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था। अब इनका जर्मिनेशन फास्ट हो जाएगा। सीड्स को हाफ इंच के अंदर लगाना है। उसको मिट्टी से कवर कर देना है। पानी देकर सेमी सेड एरिया में रखना है। 5-6 दिन के बाद इनका अच्छे से जर्मिनेशन हो जाएगा। बीन्स के पौधे को लगाने के लिए गहराई वाले पॉट की ज़रूरत होती है। जब आपको इसकी मिट्टी ड्राई लगे तब आपको पानी देना है। अच्छी फ्रूटिंग के लिए आपको मिट्टी रखनी होगी न्यूट्रिशन से भरपूर और वेल ड्रेन होनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद इनकी ग्रोथ फास्ट से होगी। आपको एक साथ 3-4 पौधे लगाने हैं। बढ़ने पर इनको सपोर्ट देकर आप किसी के सारे भी चढ़ा सकते हैं। कुछ दिन के बाद इनमें फ्लावर्स दिखाई देंगे और ये फ्लावर्स कुछ दिन बाद फलियों में चेंज हो जाएंगे। अब इनमें काफ़ी सारी फलियां आ गई हैं। चलिए अब इनको हार्वेस्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, मुझे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी नई वीडियो मिलती रहे। इन फलियों में काफ़ी सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। बहुत सारे इनमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं और खाने में भी टेस्टी होती हैं। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी आपको ऐसे रखनी है, गार्डन सॉइल 50%, कंपोस्ट 30%, रिवर सैंड 20% और कोकोपीट 20%। इन सबको मिक्स करके आप अपना पॉट तैयार कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।